हेलो फ्रेंड, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की जो 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ था 4 मार्क्स का, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ था, तो पहले हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म को और उसके बाद देखेंगे जो है कि हम इसको डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर आपको रिएजेंट का रोल पता है तभी हम क्या करते हैं डायरेक्टली हिट कर पाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको रिएजेंट का रोल ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि रिएजेंट का रोल कैसे, इसका मैकेनिज्म कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका, यहाँ दिया है C OH दिया हुआ है, और उसके बाद बात करें तो NH2, ठीक है, बिलो द प्लेन था। और यहाँ पर जो देखें तो MOH दिया हुआ था जो कि एबव द प्लेन था, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें तो NH2 दिया हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे बात करें तो पहला कंडीशन जो दिया हुआ है वो आपका दिया है ME3, और उसके बाद SiO है, Cl है, और उसके बाद इसके साथ MeOH दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि जो ट्राई मिथाइल जो सिलाइल क्लोराइड है, ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड की अगर बात करें तो ऐसे होगा, ये मिथाइल 3 हो जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर ये जानते हैं कि ये जो यस होता सिलिकॉन होता है ये क्या होता है ऑक्सीजन के टुवर्ड क्या होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये इस पर अटैक कर देगा और ये Cl निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो Cl होगा और ये EH होगा, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका EH और उसके बाद हो जाएगा Cl। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हो गया OSIME3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑक्सीजन को क्या किया प्रोटेक्ट कर लिया, तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ एल्कोहल, ठीक है, या हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या करता है एल्कोहल को प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस रिएजेंट का यूज करते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे तो वो हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा SI हो गया, ME3 हो जाएगा, और यहाँ दिया है NH2। यहाँ पर देखिए MeOH भी साथ में दिया होता है, तो यह देखिए कि H+ है, यानी एसिड के कंडीशन में प्रेजेंस में H+ के प्रेजेंस में क्या होता है, अगर हमारे पास MeOH है, MeOH मतलब एल्कोहल मेथाइल एल्कोहल है, तो एल्कोहल क्या करेगा अभी ईथर का फार्मेशन कर लेगा, सॉरी एस्टर का फार्मेशन करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एस्टरीफिकेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर भी बात करें तो ये फंक्शनल जो ग्रुप है वो भी क्या हो जाएगा इसका एस्टरीफिकेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ये यहाँ से अटैक कर देगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस्टरीफिकेशन वाला मैकेनिज्म अलग ही है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर अटैक करेगा OH निकल जाएगा और ये H+ से क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ निकल जाएगा आपका H2 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करें यहाँ पर तो ये हो गया आपका वो हो जाएगा और SiME3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका NH2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और उसके बाद क्या है अब NH2 है, और यहाँ पर C OH है, और यहाँ पर वो हो जाएगा ऑक्सीजन अटैक किया है तो और वो ME आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन का जो है आपका प्रोडक्ट ये वाले का। अब बात करें यहाँ पर ET3 एंड डेल्टा, ठीक है। तो ET3 एक यानी बेस है, और बेस के प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो हीट कर रहे हो, ठीक है। तो आप देखिए ET3 और उसके बाद क्या है आपका N है, और यहाँ पर हीट दिया हो तो हीट के कंडीशन में क्या करेगा, तो देखिए यहाँ पर पहली बात करें तो यहाँ पर SiO3 तो ये लोन पेयर नाइट्रोजन का क्या होगा वो अटैक करेगा कहाँ पर C OH पर, ठीक है, यहाँ पर अटैक कर देगा और यहाँ से OME क्या हो जाएगा यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा, और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर H है तो यहाँ ET3 क्या करता है इस H को अब्सट्रैक्ट कर लेगा तो ये ET3NH हो जाएगा, फिर यह करेगा MeOH क्या करेगा MeO- जो होगा वो अटैक कर लेगा तो MeOH हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में मेथिल अल्कोहल मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो कह सकते हैं 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं 7 मेंबर रिंग का रिंग को हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7 मेंबर रिंग। तो देखिए यहाँ पर रिंग में क्या आ जाएगा NH आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ N और H हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा आपका अगर देखें तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं तो यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड 7 होगा। तो यहाँ पर देखें तो 7 अगर यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन को 1 सपोज किए तो 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 होगा, 6 होगा एंड 7 होगा। तो 7 पर देख रहे हैं C OH रहा है तो यहाँ पर आप C OH लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 कार्बन पे, तो 6 कार्बन पे क्या है आपका NH2 है, ठीक है, तो NH2 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें
कि यहाँ पर थर्ड कंडीशन पे देखिए, थर्ड पे क्या है, एस आई एम ओ थ्री है, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बिलो द प्लेन हो जाएगा ओ एस आई एम ई थ्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिलो द प्लेन है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, अभी देखिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, दोनों बिलो द प्लेन है। तो देखिए सेवन मेंबर रिंग यहाँ पर भी फॉर्म हो रहा है, सेवन मेंबर रिंग यहाँ पर भी, यानी ए एंड बी में। लेकिन यहाँ पर देखिए सी में जो है आपका, कह सकते हैं कि सी में अगर बात करें तो ये आपका फिफ्थ सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन किया, तो यानी सिक्स में अगर देखें तो सी एंड डी, तो सी एंड डी क्या होगा, सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसलिए इसको कैंसिल का आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ए एंड बी में, तो ए एंड बी में दोनों हो सकते हैं। अब दोनों में स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें सेम दिया है, तो यहाँ पर टेंशन लेने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हमें इसको एबव द प्लेन लिखें या बिलो द प्लेन, तो हालांकि वो क्या होगा आपका बिलो द प्लेन ही होगा, ठीक है। तो अब इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें अलग से पढ़ना होगा तभी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बात करेंगे अलग वीडियो में कोई, ठीक है। अब बात यहाँ पे करते हैं कि इसके बाद क्या हो, देखिए यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल दिया हो, तो मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में अगर आप देखें तो उसमें क्या हो, मिथाइल अल्कोहल जब फॉर्म होगा तो उसके प्रेजेंस में क्या करता है, ये फिर से डी प्रोटेट कर देता है, यानी ये एस आई क्या करेगा, ये यहाँ से अटैक करेगा और ये ओ एच क्या हो, वो माइनस हो जाएगा और इसके एच को अब्सट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे हम कह सकते हैं इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो ये आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर क्रिलेटन में लिखा हुआ है, जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप का एक चैप्टर है, तो उसमें जब देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ कि मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में क्या होता है, कि जो कह सकते हैं कि एस आई एम ई थ्री क्या हो जाता है, डी प्रोटेक्ट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं डी प्रोटेक्ट हो जाएगा और एल्कोहल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो हमारा जो सेवन मेंबर रिंग था वो हो गया, और एन है और एच है, उसके बाद क्या है आपका सी डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, और यहाँ पे बात करें बिलो द प्लेन था एन एच टू हो गया, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे थर्ड कंडीशन पे दिया है ओ एच दिया हुआ था, तो ये हमारा ए प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट में के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो ए प्रोडक्ट में सेवन मेंबर रिंग है, एन एच टू जो है बिलो द प्लेन है, यहाँ पर बिलो द प्लेन है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आपका बिलो द प्लेन, यहाँ भी बिलो द प्लेन है, तो ए एंड बी में कोई होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए के अकॉर्डिंग हमारा सी एंड डी कैंसिल हुआ आउट हो जाता है, कि ए एंड बी बचता है। अब बात करते हैं उसके बाद ए के बाद क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए आपका साइक्लोहेक्सिनोइल क्लोराइड दिया हुआ, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है आपका साइक्लोहेक्सिल दिया है, और इसके बाद अगर बात करें सी डबल बॉन्ड वो है और उसके बाद सी एल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या करेगा, एन एच टू, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और समझेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे है, और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, तो कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो उस केस में अगर हम बात करें तो इसकी हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करते हैं, तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन से क्या होती है, लेस होती है, तो ऑक्सीजन की जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर होगी तो इसका मतलब क्या है कि यह जो अपना अपने जो लोन पेयर होगा उसको क्या करेगा, मोस्ट टाइटली हेल्ड करे किए रहेगा, तो जब ज़्यादा वो अट्रैक्ट किया रहेगा इसका मतलब क्या है कि इसकी डोनर एबिलिटी कम हो गई, तो डोनर एबिलिटी लेस हो गई तो इसका मतलब क्या है कि यह जो है बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये अब उतना ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएगा किसके अब कंपेयरिंग में, या नाइट्रोजन की कंपेयरिंग में, लेकिन यहाँ पर भी नाइट्रोजन है यहाँ पर भी, तो हम कह सकते हैं ये इसका जो लोन पेयर है ये रिजोनेंस में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियर जो कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल जो होगा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, यही होगा। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा, या प्रीडीन जो है बेस कंडीशन में था, बेसिक कंडीशन में रिएक्शन कराया गया था, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा सेवन मेंबर रिंग था वो है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर सॉरी अभी जो है थोड़ा सा हाथ सेट नहीं हुआ है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें एन है और एच है, और इसके बाद क्या है आपका सी डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं एन एच टू है, तो एन एच, तो यहाँ देखिए यहाँ पर सी एल निकलेगा और यहाँ इसके एच को क्या अगर एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से एच सी एल निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है आपका एन और एच है, और उसके बाद हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है आपका जो साइक्लोहेक्सिल रिंग है वो हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद बात करें यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका ओ एच हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये प्रोडक्ट बी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये बी प्रोडक्ट हमें मिला, तो बी में देख रहे हैं कि अगर देखें यहाँ पर,
यहाँ पर देखें ऑप्शन ए में अगर देखें बी प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन से जो है ये रिंग को ये सब्सटिट्यूएंट को जोड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखें तो इसके यानी बी ऑप्शन के बी प्रोडक्ट में अगर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन को न्यूक्लियोफाइल बना दिया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये तो ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करते हैं ऐसे हमको क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो इतना टाइम तो हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है कि हम इसको टैकल कर लें, तो करना क्या है अब आपको तुरंत दिमाग में लगाना होगा कि यहाँ देखिए आपका अगर थोड़ा सा सोचेंगे कि Me3 और SiCl है, अगर आपको ये पता है कि ये क्या है प्रोटेक्टिंग ग्रुप है एल्कोहल का, तो एल्कोहल को क्या करेगा प्रोटेक्ट कर लेगा, क्लियर हुआ। यानी एल्कोहल जो है वो अटैक नहीं कर पाएगा, तो अटैक कौन सा करेगा अब यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद जो है ऑप्शन में अगर चेक करो तो ऑप्शन में दिया है ए, तो ये ऑप्शन में अगर देख रहे हैं तो आपका यहाँ पर देखिए 6-7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन किया है, और सी एंड डी में अगर बात करें तो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन किया है। तो अगर ये अल्कोहल अटैक यहाँ पे करता तो 1 1 हो जाए, 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता। तो यहाँ पर देखिए ये तो इसलिए अगर दिया हुआ था कि अगर कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैक करा देंगे तो पता नहीं क्या बना देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर 6 मेंबर रिंग का यहाँ पर फॉर्म किया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन तो देखते ही ये, अगर आप प्रोटेक्टिंग ग्रुप आप ये समझ गए तो इसका मतलब क्या है आप देखते ही ये कह सकते हैं कि हमारा सी एंड डी ऑप्शन क्या है रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे आप Et3n है और हीट दिया हुआ है, MeOH का क्या रोल है ये नहीं पता है, तभी हमारा ये ऑप्शन हो जाता, ठीक है, ये हम ए निकल जाते। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है कि ए एंड ए प्रोडक्ट तो इसमें सेम दिया हुआ है, तो आगे क्या हुआ होगा, तो आगे की बात अगर करें तो आगे देखा देखिए COCl है, इसका मतलब क्या है कि ये तो हमें जनरली पता ही होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ है और इस पे ही अटैक करेगा। अब यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करेगा तो कौन अटैक करेगा, जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो न्यूक्लियोफाइल में अगर हम ये चेक करें कि नाइट्रोजन जो है बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो यही अटैक करेगा, तो हमारा जो ये जो ग्रुप जो है ये जो अटैच्ड होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा, इसके साथ होगा, नाइट्रोजन के साथ होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन को देखते ही हम टैगल कर सकते हैं इस टाइप से कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, आपका ये होगा, तो हमें टाइम नहीं लगेगा, तो हम कह सकते हैं विद इन द 1 मिनट आप ये कह सकते हैं आप ये आंसर को दे सकते थे। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को टैगल करते हैं। तो अगर आप हमारा जो है प्लेलिस्ट नहीं देखें तो आप उसमें देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में मैंने जो है पेरिस आगेली के कंप्लीट वीडियो को अपलोड किया, तो उसको आप देखेंगे तो काफ़ी आपका हेल्प करेगा। और उसमें जो है पेरिस आगेली में मैंने पूरे कंप्लीट आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना होगा, वो पूरे मैंने एक्सरसाइज करा दिया है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करा दिया, और उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल को भी, जैसे मैंने कैरोथर हो गया, उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो क्लेडन हो गया, और कुछ बुक स्टैंडर्ड बुक का मैंने एग्जाम्पल्स में कराया है, तो उसको आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने नेम रिएक्शंस के वीडियो बनाए हुए हैं, उसको देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के 17, 18 और 15 का, फिर उसके बाद 16 का भी वीडियो मैंने अपलोड किया, 13, 14 का भी। तो इस टाइप से आपके बहुत से आपको वीडियो मिल जाएंगे जो आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।